तो दोस्तों इस तरह का इमेज इस तरह का बन चुका है। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ऐसे कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और देखते हैं वो क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों पहला ट्रिक तो ये है कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर कोई इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल साफ नहीं है और आप उस डॉक्यूमेंट को सही करना चाहते हो, आप उसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हो, वो काला काला आ गया, ऐसा कुछ हो गया है, तो आपको वो फोटोशॉप में जाके करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आकर के कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से, सिर्फ दो स्टेप करने हैं और वो हो जाएगा। जैसे कि मैंने इमेज रख लिया है यहाँ पर डेस्कटॉप पर, मैं यहाँ पर एक इमेज लाता हूँ। इंसर्ट में जाना पड़ेगा इमेज लाने के लिए, यहाँ पर मिलेगा पिक्चर, पिक्चर में जाना है, फिर आपको वहां पर जाना है जहां पर आपका इमेज है। तो मैं यहां पर ये एक इमेज लाता हूं, ये इमेज इस तरह का दिख रहा है और मुझे इसे क्लियर करना है यानी साफ करना है। तो मैं सबसे पहले इसे यहां पे थ्रो करूंगा ताकि मैं अपने इमेज को आसानी से कहीं भी मूव कर सकूं। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं और मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो मैं इसे कॉपी करके कंट्रोल के साथ खींच के यहां पर रख देता हूं। तो दोस्तों ये जो राइट साइड में इमेज है इसमें हम लोग करेंगे चेंजिंग। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको मिलेगा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, बस आपको इसको एडजस्ट करना है और ये फोटो साफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको किसी पे भी चले जाना है, चाहे ब्राइटनेस पे या कॉन्ट्रास्ट पे, सबसे नीचे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बस ये दोनों ऑप्शन को एडजस्ट करना है। जैसे ये ब्राइटनेस है तो मैं इसे बढ़ाऊंगा, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और कॉन्ट्रास्ट को मैं बिल्कुल बढ़ा दूंगा 100%। तो 100% में ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कम करूंगा। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम होना चाहिए, इतना भी नहीं, थोड़ा कंट्रास्ट को और बढ़ाते हैं। ब्राइटनेस को आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, कितना ब्राइटनेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसे रख लिया 35 और कंट्रास्ट को रख लिया 90। तो अब मुझे अगर सही लग रहा है तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह का इमेज इस तरह का बन चुका है। इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ला करके यहाँ पे इस तरह से कर सकते। तो दोस्तों पहला ट्रिक तो ये था। अब मैं इस इमेज को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब जो ये इमेज मेरे पास बना हुआ है ये डॉक्यूमेंट में, अगर मैं सेव करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट फाइल में सेव होगा। लेकिन अब दूसरा ट्रिक यही है कि मैं इसे सेव करना चाहता हूँ लेकिन इमेज में, यानी कि मैं इसे सेव करूंगा तो ये बिल्कुल इमेज में सेव होना चाहिए, जब मैं खोलूं तो ये इमेज में खुले, डॉक्यूमेंट में ना खुले। दोस्तों उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर ऑफिस बटन पर और यहाँ पर मिलेगा सेव, आपको सेव में चले जाना है और बस आपको यहाँ पे सेव करना है वेब पेज में। आप इसको वेब पेज कर दीजिए और यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना है और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसे। अब इसको आपको क्लोज कर लेना है। अब जो ये सेव हुआ है यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या आया है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आया है और एक डॉक्यूमेंट फाइल आया है। तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये इमेज मिल चुका है। ये इमेज को आप खींच के बाहर ले आओ और बाकी सब कुछ हटा दीजिए, अब इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये इमेज मेरे पास बन चुका है, अब मैं जब भी खोलूंगा ये इमेज में खुलेगा। तो दोस्तों ये इमेज इस तरह से मैंने इसे कन्वर्ट किया और इसको इमेज में सेव किया। तो दूसरा ट्रिक ये था कि आप डॉक्यूमेंट फाइल में किसी भी इमेज को ला करके आप उसको इमेज में ही सेव कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला ट्रिक। तो उसके लिए आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अब मैं यहाँ पर कोई भी इमेज लाऊंगा, उसमें कुछ चेंजिंग करूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक इमेज रखा हुआ है ये वाला, मैं इसे लाऊंगा वहां पर और इसमें कुछ चेंजिंग करूंगा, कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा, 3D करूंगा, उसके बाद इसको सेव करूंगा इमेज में। तो देखते हैं ये इमेज 3D में आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे इमेज मिलेगा, आपको जाना है डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आपको अपने इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा ये यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पर कर लेना है इसको थ्रो ताकि आप आसानी से इसको मूव कर सको। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चेंजिंग करूंगा। जैसे यहाँ पर आपको है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, उसी तरह यहाँ पर आपको फ्रेम मिलता है, यहाँ पर आपको बहुत तरह का फ्रेम मिलता है, आप इसको यूज कर सकते हो इस तरह से। उसके अलावा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 3D वगैरह, ये मुझे नॉर्मल रखना है, ऐसा नहीं रखना है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको बहुत सारा 3D मिलेगा, तो इस तरह से कोई भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने कुछ यूज किया। अब मैं इसे सेव करूंगा लेकिन ये सेव होना चाहिए इमेज में, तो उसके लिए मुझे जाना है यहाँ पर सेव करना है और यहाँ पर बस मुझे कर लेना है वेब पेज। आप इसका नाम कुछ भी दे दो, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पर फाइल बन के आ चुका है, मुझे इस फाइल में जाना है और यहाँ पर जो मेरा इमेज होगा उसको रखना है, ये वाला इमेज, ये फोटो बन चुका है। अब मैं इसे खींच के बाहर लाऊंगा और बाकी सब कुछ डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक इमेज बनाया, आप देख सकते हो ये 3D इमेज बन चुका है और ये मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।